और अब बात राजनीति की। सांसद प्रज्ञा सिंह ने चाणक्य के हवाले से विवादित बयान दिया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि एक विदेशी महिला के गर्भ से जन्मा कोई व्यक्ति राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साध्वी यही नहीं रुकी बल्कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में न बोलने की सभ्यता है, न संस्कार है और न ही देशभक्ति है। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के एक बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। साध्वी ने कांग्रेस द्वारा चीन के मामले में खड़े किए जा रहे सवाल पर मीडिया से कहा कि विदेशी महिला के गर्भ से जन्मा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। चाणक्य ने कहा था कि इस भूमि का पुत्र ही देश की रक्षा कर सकता है। यह साध्वी का इशारा सोनिया गांधी व राहुल गांधी पर था। साध्वी यही नहीं रुकी बल्कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में न बोलने की सभ्यता है, न संस्कार और न ही देशभक्ति है। मैं कहती हूँ कि देशभक्ति आएगी भी कहाँ से जब दो दो देशों की सदस्यता लेकर रहेंगे। इसके अलावा सांसद ने कहा कि चीन से निपटने के लिए देश तैयार है। केंद्र सरकार चीन को पूरी ताकत से जवाब देगी। भारत की एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कांग्रेस को तो अपने गिरेवान में झांक कर देखना चाहिए। उसको तो ना तो बोलने की सभ्यता है, ना उनकी पार्टी में संस्कार है और ना ही उनकी पार्टी में देशभक्ति है। और मैं एक ही बात कहूंगी, देशभक्ति आएगी कहां से जब दो दो देशों की सदस्यता लेकर के रहेंगे। चाणक्य ने कहा था कि इस भूमि का पुत्र ही इस देश की रक्षा कर सकता है। विदेशी महिला के गर्भ से उत्पन्न कभी कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। मेरा एक ही कहना है कि ये राष्ट्र पुरातन सनातनी और पराक्रमी है, क्योंकि यहाँ के लोग बलिदान देना चाहते हैं। यहाँ के लोग अपने से बढ़कर देश को मानते हैं। चाहे जितने बलिदान हों, उन बलिदानों में निश्चित रूप से पराक्रम है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपना बलिदान अपने को समर्पित करता है, राष्ट्र के लिए आहुत करता है, तो वह एक पराक्रम होता है। सैनिक पराक्रम करते हैं, पर अंदर रहने वाले लोग भी जो समर्पित होते हैं राष्ट्र के लिए, वो हमारे लिए उनका मार्ग अनुकरणीय है। और आज का भी जो राष्ट्रभक्त है वो भी समर्पण करने के लिए हर तरह से तैयार है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।